नेक्स्ट टर्म है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का जो सिंबल है वो छोटा जे है। करंट डेंसिटी क्या होती है, एक लाइन में समझाता हूँ सिर्फ। करंट डेंसिटी है कि अगर आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है, ये रहा कंडक्टर, ये इसका बीच का क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये रहा। इसमें से अगर मान लो आई करंट टोटल पास हो रहा है, तो जितना भी करंट पास हो रहा है कितने क्रॉस सेक्शन में से हो रहा है, एरिया में से, इसकी रेशियो को करंट डेंसिटी बोलते हैं। कितना करंट पास कर गया टोटल, कितने एरिया में से पास कर गया क्रॉस सेक्शन, उसकी रेशियो को करंट डेंसिटी बोलते हैं। क्या ये डेफिनेशन समझ में आ रही है? तो करंट डेंसिटी का मतलब कितना करंट डिवाइडेड बाय कितना क्रॉस सेक्शन एरिया। सही है यहाँ तक? लेकिन इसको बताने के कई तरीके हैं। जैसे पहला तरीका, आपके पास कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है, डेल्टा एस है, और मान लो उसमें से डेल्टा आई करंट चेंज हो गया। चेंज समझते हो, पहले करंट 2 एम्पियर जा रहा था पर अब एकदम 4 एम्पियर हो गया, तो चेंज कितना हुआ, 4 में से 2 गया 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट चला गया, या पहले 0 एम्पियर करंट था, अब 2 एम्पियर हो गया, ऐसे बोल लो, तो 2 में से 0 गया, 2 एम्पियर करंट गया, डेल्टा एस एरिया में गया, तो टोटल कितना करंट गया। अब कोई दो, अगर कोई ये बोले कि 2 एम्पियर करंट गया, लेकिन ऐसा भी तो जा सकता है कि पहले 1 एम्पियर चला गया, फिर 0.1 गया, फिर 0.3 गया, फिर 0.2 गया, फिर 0.1 गया, 0.5 गया, पर टोटल 2 गया। वो कैसे गया, कम गया ज़्यादा गया, उसकी बात नहीं हो रही। तो इसलिए मैंने टोटल करंट कितना गया, कम गया ज़्यादा गया, टोटल करंट कितना गया अपॉन टोटल एरिया में, इसको बोलते हैं एवरेज करंट डेंसिटी, टोटल बाय टोटल। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं, क्योंकि हर इंस्टेंट पर किसी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन में, किसी क्रॉस सेक्शन के एरिया में कहीं पर ज़्यादा करंट जा रहा होगा, कहीं पर कम जा रहा है, कहीं पर बिल्कुल कम जा रहा है, तो डेंसिटी बराबर नहीं हो सकती। किसी एरिया में ज़्यादा करंट है, किसी एरिया में कम करंट है, तो आप ऐसे केस में क्या लेंगे, डी आई बाई डी एस। तो करंट डेंसिटी इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पर चेंज हो सकती है, तो हम क्या लेते हैं, डी आई बाई डी एस। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आई क्या आएगा, जे इंटू डी एस। और टोटल करंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनकी इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आप टोटल करंट निकाल सकते हैं अगर आपका जे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेरिएबल जे है। मैं करके दिखाऊंगा अभी, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं आपको। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है अगर आपके पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसा एरिया है, देख रहे हो ये एरिया है, इसमें आई करंट जा रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है, एस है। अगर मैं पूछूं करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आई डिवाइडेड बाय एस, सिंपल, आई बाय एस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है डेंसिटी, तो अगर वेक्टर लगाएंगे, करंट तो वेक्टर है ही नहीं, करंट तो स्केलर है, तो पीछे लगेगा एरिया वेक्टर का कैप। एरिया वेक्टर कैप को लिखते हैं एस कैप। एस कैप इज एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। एस कैप राइट भी हो सकता है, एस कैप लेफ्ट भी हो सकता है। कैसे डिसाइड किया मैंने कि एस कैप राइट होगा, भाई लेफ्ट क्यों नहीं होगा, कैसे? करंट की डायरेक्शन बताता है। अगर करंट की डायरेक्शन राइट है तो एरिया वेक्टर राइट है, अगर करंट की डायरेक्शन लेफ्ट है तो एरिया वेक्टर लेफ्ट है। तो देखो, वैसे करंट की डायरेक्शन इट्स नॉट अ वेक्टर, बट कैसे इनडायरेक्टली उसने करंट की डायरेक्शन से एरिया वेक्टर लेके पीछे अटैच कर दिया एस कैप। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन एरिया वेक्टर के साथ है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के साथ चलती है। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो मैंने अगर आपसे ये पूछा कि इस डायग्राम में करंट डेंसिटी क्या होगी, तो आपने बोला करंट अपॉन एरिया एस, डन हो गया। कोई स्टूडेंट आया, उसने चाकू निकाला, वायर को इस तरीके से काट दिया, ये देखो क्रॉस सेक्शन, अच्छा भला ऐसा था, क्रॉस सेक्शन टेढ़ा कर दिया। अब बोला कि करंट डेंसिटी बोलो क्या होगी इसमें से। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरा हाथ ऐसे है, एरिया वेक्टर सीधा परपेंडिकुलर है, अगर हाथ ही ऐसे हो गया टेढ़ा, तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो यानी कि पहले जो एरिया वेक्टर ऐसे था, उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा इसके परपेंडिकुलर, जो कि क्या आएगा, एस कॉस थीटा। तो करंट डेंसिटी इस केस में पता है क्या होगी, आई बाय एस नहीं होगी, आई बाय एस कॉस थीटा, बस ये याद रखना है। तो अगर तो क्रॉस सेक्शन एरिया सीधा है, फिर तो आई बाय एस हो जाएगा, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया टेढ़ा है, तो आई अपॉन एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये टर्म आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया,
जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करंट देगा। तो आपने कभी सुना है करंट को वेक्टर फॉर्म में लिखो, ये देखो करंट वेक्टर फॉर्म में, जे वेक्टर डॉट एस वेक्टर इज द वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन है करंट डेंसिटी की, कैसे करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज है। हालांकि करंट डेंसिटी के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चंस आते देखेंगे दिखेंगे नहीं आपको, फिर भी एक आध क्वेश्चन कोई 500 में से एक मिल जाएगा करंट डेंसिटी का, तो इसलिए मैंने पहले वो करवा दिया। हालांकि आपकी बुक्स करंट डेंसिटी से स्टार्ट नहीं करती टॉपिक, हालांकि बताती हैं करंट डेंसिटी के ऊपर एक दो बड़े बेसिक क्वेश्चन आते हैं जिसमें सिंपली एक ही फॉर्मूला लगता है, करंट डेंसिटी इज करंट बाई एरिया, बस इतना यूज होता है। लेकिन बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन टेढ़ा आ जाए तो वो ऐसा आ सकता है, एक क्वेश्चन बस, वो ये कि किसी भी वायर, ये कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर में करंट डेंसिटी इज गिवन बाय 4x2। 4x2 का मतलब कि अगर x की वैल्यू 0 है एक्सिस पे है तो करंट की वैल्यू 0 है, करंट डेंसिटी 0 है तो करंट है ही नहीं, यानी कि एक्सिस पे करंट है ही नहीं। अगर एक्स बढ़ा दिया तो करंट डेंसिटी बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई, तो करंट डेंसिटी एक्सिस पे 0 है, साइड पे जा रहे हैं वायर की, तो जे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, जे बढ़ रहा है, साइडों पे ज्यादा करंट है, अंदर कम है, फिर और कम है, फिर और कम है, फिर और कम है, और एक्सिस पे तो बिल्कुल ही 0 है, यानी कि इट इज अ केस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। पर आपको निकालना है इस पूरी वायर में टोटल करंट कितना है, ये क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, जब आप एक सिलिंड्रिकल वायर को काटते हो तो आपको डिस्क दिखेगी, वो डिस्क क्रॉस सेक्शन डिस्क दिखेगा एरिया, वो डिस्क किसकी बनी हुई है, बहुत सारी रिंग से बनी हुई है, तो उनमें से कोई भी एक रिंग ले लो, ये पिंक कलर की रिंग ले ली जिसका रेडियस एक्स है और थिकनेस डी एक्स है, तो एरिया ऑफ ये शेडेड रिंग क्या होगा, सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस, सर्कमफ्रेंस क्या है 2π x इंटू डी एक्स। तो अब इसमें रिंग के केस में स्मॉल रिंग का करंट क्या जाएगा, डी आई, छोटे रिंग का करंट है डी आई, जिसका फॉर्मूला क्या था, जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर भी लिखवाया, जे वेक्टर कहाँ है ऊपर, डी एस भी कहाँ है ऊपर, क्योंकि जे और डी एस में हमेशा एंगल 0 ही होता है, दे आर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन। तो जे की वैल्यू पुट कर दी, एरिया उस रिंग का पुट कर दिया 2π x dx, तो रिंग का करंट आ गया। सारे रिंग्स 0 से आर तक का करंट निकालने के लिए इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट, और टोटल करंट की वैल्यू आ गई। तो यानी कि जब करंट डेंसिटी चेंज होगी तो आपको इंटीग्रेशन की हेल्प से टोटल करंट निकालना होगा। ये वाला टॉपिक जो चेंज करंट डेंसिटी है, ये एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं है, ये नहीं आएगा, ये किसी ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में करंट डेंसिटी कांस्टेंट पे ही क्वेश्चन आते हैं बस, और कांस्टेंट का तो चक्कर ही नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट अगर जे कांस्टेंट है फिर तो कुछ करना ही नहीं है, अगर जे कांस्टेंट है तो फिर तो बिना इंटीग्रेशन के ही सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई करके करंट की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो अगर तो करंट डेंसिटी कांस्टेंट है यानी कि करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो सीधा करंट आएगा, नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन अगर आपकी करंट डेंसिटी चेंज हो रही है तो नीड ऑफ इंटीग्रेशन, बिना इंटीग्रेशन के आंसर नहीं आएगा, बस ये टॉपिक है।